खबर सच्ची है तो ही अच्छी है। ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिग अपडेट्स, जो लेटेस्ट न्यूज होते हैं, उन सब के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री वीजा एडवाइजर। Hey guys, here is Sarabjit Singh and I welcome to you all on your own YouTube channel Free Visa Advisor। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज शैनिगन के बारे में या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि IRCC का जितना भी अभी तक जो अभी चल रहा है बैकलॉग के को क्लियर करने का जो काम चल रहा है या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उसी के मैसेजेस ज़्यादा आते हैं और उसी से रिलेटेड ज़्यादातर लोग सवाल पूछते हैं। इसलिए शैनिगन की तरफ और बाकी के काम की तरफ ध्यान नहीं गया, टूरिस्ट वीज़ा की तरफ तो ध्यान गया ही नहीं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अभी जस्ट मुझे मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया, उसके पास मैसेज आया है कि उसका जो है ना घर पे जो वीज़ा पहुंचा है, मतलब कोरियर से पहुंचा होगा, उसकी मम्मी ने बताया कि उसका वीज़ा लग गया है। यानी कि मैंने अभी, मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैंने 4 लोगों का वीज़ा लगाया था, उनमें से अभी एक का ही फ़ोन आया, बाकी को देखता हूँ। तो बाकी लोगों को मैंने जैसे ही फ़ोन किया, अभी उनका दोपहर 11 बजे तक तो कोई भी उनके पास कोई रिप्लाई आया नहीं था, लेकिन अब थोड़ी देर पहले यानी कि आज से अब से 10 मिनट पहले ही सब क्लियर हुआ है। 3 वीज़ाज लगे हैं और एक वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और जो रिजेक्ट हुआ उसकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको रिजेक्ट होने के चांसेस ही नहीं थे, 1% भी चांसेस। ट्रैवल था वो 3 कंट्रीज़, और इसके अलावा उसका जो ना बिजनेस, अच्छा बिजनेस दिखाया गया था, मतलब है भी है उसका बिजनेस, और इसके अलावा उसकी जो प्रोफाइल थी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी, और जो 3 वीज़ा लगे उसमें से एक प्रोफाइल ऐसी थी जो बिल्कुल अभी फ्रेशर था, और फ्रेशर होने के साथ साथ उसने जो है अभी कोई ट्रैवल भी नहीं किया था, और इसके साथ साथ वो बिजनेस भी इतना हैवी नहीं था, लेकिन उसका वीज़ा लगा। और अभी हैरानी ये होती है कि यहाँ पे हम लोग काउंसलर को या एम्बेसी को क्या कह सकते हैं कि वो किसको वीज़ा देते हैं। हम लोग तो सारा कुछ करके देख लेते हैं, आप लोगों के सामने ही है, और आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करने का मतलब ये होता है कि हम लोग केवल इसी बात के ऊपर ना बैठ जाएं कि जो वीज़ा जो है केवल अच्छी प्रोफाइल पे लगता है, वीज़ा स्टार्स के मुताबिक भी लगता है। आपके स्टार्स अच्छे हों और एकदम अचानक से सिचुएशन कोई ऐसी बन जाए, कोई कई बार स्टार्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप लोग को वीज़ा ला कर देते हैं, और ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन दुख है उस लड़के का जिसका वीज़ा नहीं लगा, लेकिन हम अब उसका फिर से प्रोफाइलिंग करेंगे, फिर से उसके बारे में सोचेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और हम उसका वीज़ा निकाल कर लाएंगे। तो दोस्तों शैनिगन वीज़ा मिल रहा है, हाँ फ्रांस अभी थोड़ा कम वीज़ा दे रहा है, बाकी अदर कंट्रीज़ जो है वीज़ा दे रही हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर आप संपर्क कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कीजिए और मेरे से संपर्क कीजिए, हम लोग आप लोगों का वीज़ा अप्लाई करेंगे, और वीज़ा अप्लाई करने के साथ कोशिश करेंगे कि आपका वीज़ा जल्दी से जल्दी आपके हाथों में हो। और हम लोग सिर्फ फ्री वीज़ा एडवाइज़र के जरिए यही काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग टिकटिंग भी कर रहे हैं। अगर आप टिकट कहीं बुक करवाना चाहते हैं, दुबई वाया दुबई जाना चाहते हैं, या कोई पैकेज बुक करवाना चाहते हैं कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी आप टूर करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि फ्री वीज़ा एडवाइज़र एक ट्रैवल सोल्यूशन सर्विस है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस दी गई है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इससे आप सेवाएं ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों के सामने आए और अनबॉक्सिंग आपके सामने हो, और जब देखता हूं कि कब पासपोर्ट्स हमारे तक पहुंचते हैं तो उसके बाद अनबॉक्सिंग होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।